और उत्साह के साथ आराम करें। हेलो एंड नमस्ते फ्रॉम कोवेंट्री, मैं हूँ नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं हूँ रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ लेमिंगटन स्पा के कृष्ण मंदिर, जहाँ पर आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और सारे मतलब पूरे दिन में महाआरती, महाप्रसादी और फूड स्टॉल्स, रथ यात्रा, पूजा, सारी चीज़ें हैं। सो मैंने सोचा कि आपको दिखाना बनता है। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है बट स्टिल आई एम व्लॉगिंग। सो चलते हैं, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा लेट ही निकल रहे हैं। अभी बज रही है 12, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ मेहंदी स्टॉल में। सो मुझे मेहंदी लगानी है जाके बच्चों की, बड़ों की। सो लेट्स गो, चलते हैं। मुझे ना ये वाली रोड बहुत पसंद है, स्ट्रेट रोड है, केनिलवर्थ रोड, ऊपर जाती हुई ऐसा लगता है रोड टू हेवन लिटरली। कोई भी मौसम हो, ऑटम का मौसम आता है ना तो और पेड़ पौधे जो ये हैं ये लाल पीले दिखने लगते हैं और सुंदर लगता है। लेमिंगटन में ना उस तरफ मेला लगा हुआ है तो आज संडे है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत से लोग रोड पर निकले हैं घूमने फिरने मजे करने, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते से बारिश हो रही थी, ठंडा था, आज थोड़ा मौसम गर्म है और 19 डिग्री है अभी और आसमान आप देख सकते हो क्लाउडी है बट सन भी है, बढ़िया है। और ये देखो, हम जब लेमिंगटन आए थे हम इधर देखो नदी के पास और यहाँ घूमे थे हम लोग, ये अपना चर्च और आगे जाएंगे तो मंदिर आएगा अपना कृष्णा टेम्पल मंदिर, जहाँ पे हम गणपति के टाइम पर भी आए थे गणपति विसर्जन में, और लेमिंगटन उसके अलावा भी हम लोग घूमे थे तो वो भी मैंने वीडियो बनाया है, दोनों वीडियोस बनाए हैं। वो वाला ट्रेन का ब्रिज है, ये इसके ऊपर से ट्रेन जाती है। अभी हम ये वन वे है तो हम लोग राइट साइड में हो गए क्योंकि हमें राइट मुड़ना है और राइट मुड़ते से ही जस्ट लेफ्ट में है ना कृष्ण मंदिर है। सो यहाँ से जैसे कि मैंने बताया हम मुड़ेंगे राइट और राइट मुड़ने के बाद जस्ट लेफ्ट और ये आ गया हमारा मंदिर और रथ यात्रा निकल रही है। वी आर लेट आई गेस, तो मुझे यहीं उतरना पड़ेगा। और ना बहुत सारे लोग रेडी हैं, कोई डांस करने वाला है, ओडिसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं मंदिर में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मंदिर, आज मेरे कपड़े भगवान से मैच कर रहे हैं है ना? नहीं। Here is Alec. देखो यहाँ पर गणपति जी बैठे थे लास्ट टाइम, आई गेस रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ जी को यहीं विराजमान करेंगे। तो अभी ऑलरेडी मेहंदी और टैटू का काम चल रहा है तो कुछ लोग थकते हैं अगर, तो फिर मैं जाती हूँ। Oh,
है, अभी छप्पन भोग की तैयारी हो चुकी है। हम आपकी साक्षात्कार इस नाटक के मुख्य चरित्र से कराते हैं, प्रभु जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ परम प्रेम और करुणा के अवतार हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक के रूप में इन्हें पूजा जाता है। वे अपनी दिव्य उपस्थिति एवं आशीर्वाद से सभी प्राणियों के सौभाग्य में वृद्धि करने की असीम शक्ति रखते हैं। आइए हम इस शुभ यात्रा का आनंद और उत्साह के साथ आरम्भ करें। भैया, मैं यात्रा की वैभव और भक्तों की चेहरा की मुस्कान देखने के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ओ भैया, रथ की आगमन हो चुका है। चलिए ना, हमारा सुंदर रथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ जी, तो ये था हमारा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा वाला दिन। बड़ा मज़ा आया, रथ यात्रा हुई, मैंने रथ खींचा भी सही, वो भी मैंने वीडियो बनाई है। और फूड स्टॉल्स थे, मेहंदी स्टॉल थी। मेहंदी स्टॉल के लिए मैं गई थी एक्चुअली, बट लगाया नहीं मैंने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे लगाने के लिए और लगवाने के लिए थोड़े कम थे, तो हो जा रहा था इसलिए। परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त हुई, मैंने भी सोचा था मैं डांस करूँगी, बट मैंने जब तक कॉल किया तब तक लेट हो चुका था। कोई ना, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और छप्पन भोग, आरती वगैरह सारी चीज़ें होनी थी, तो अभी हम लोग तो आ गए। और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम रथ यात्रा अटेंड की, सो बड़ा मज़ा आया। और हाँ, सो इसी तरीके के ना हम लोग फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाते रहते हैं। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं सारे फेस्टिवल्स की, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें यूके के, मतलब यहाँ पर हमने जितने भी फेस्टिवल्स बनाए हैं वो सारे वीडियोस वहाँ पर हैं, सो आप जाके देखना। और हम लोग थोड़ा घूमने फिरने भी जाते हैं, तो उसका वीडियो भी, सारी वीडियोज़ के लिंक्स ना नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देखो। रिसेंट जो ट्रिप था हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट वाला, बड़ा मज़ेदार था। और थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ, जैसे कि मैंने ग्रोसरी शॉपिंग का वीडियो बनाया है, हम लोग डिकेथलॉन गए थे तो मैंने उसका वीडियो बनाया है, सो वो सब भी आप जाके देखो। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।